क्षण हो आई मीन टू से मोमेंट हो यार तो ऐसी चीजें जो हमें जोई दे जो हमें इस धरती से बांधे रखे मतलब नेगेटिविटी तो हर जगह है ना यार बट वो एक चीज जो हमें मिलती है जिससे हमें खुशियां मिलती है क्या मिलती है खुशियां मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे तेरी एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए इन दैट सेंस कि वो चीज जिसके लिए हम ये कविता पढ़ रहे हैं ठीक है थेके? पोइट कौन है जॉन किड्स कौन है जॉन किड्स ने ये लिखी है काफी रोमांटिक के पोइट है टुवर्ड द नेचर शब्दों को नहीं भैया इमोशन पे जाओ रोमांटिक मींस एक ही नहीं होता रोमांस जो होता है वो नेचर से भी होता है किससे होता है नेचर से भी वो होता है ठीक है नेचर की ऑब्जर्वेशन से वो होता है ठीक है आगे बात समझ में तो वही बात यहां हम कर रहे हैं चलो बढ़ते हैं सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द पोएट हमारे पोएट के बारे में ठीक है ना जॉन कीट्स वाज बोर्न इन लंदन इन द ईयर 1795 एंड डाइड इन रोम इन 1820 वर्ड एट द यंग एज ऑफ 25 ड्यू टू द इलनेस 25 साल की उम्र में ये मर तो गए बीमारी से मर गए लेकिन काफी कुछ इनके शब्दों ने इनकी लाइनों ने रिएक्ट किया है बताया है हमारी सोसाइटी को आज हम पढ़ रहे हैं और क्या बड़ी बात होगी इससे ठीक है? रोमांटिक कि रोमांटिक पॉइंटिकॉइट अब रोमांस का मतलब ये नहीं होता या कुछ भी रोमांस का मीन होता है कि आप नेचर को ऑब्जर्व करो ने किस तरीके से हमारे इस यूनिवर्स को अच्छा बना रही है दैट इज द रोमांस राइट नाउ एंड पोइट्री इज कैरेक्टराइज बाय देंचुररी

today in his poems are one of the most sought after creation in the english literature right or inki in his poems in english literature mein ek revolution in the aaye different way variety in have present kiya which is very good john Kitts, right the above given poetry is an extra from his poem Andy Mion. jo poem hum

Word to word, line to line, we have to understand it, okay? And we will get the meaning, the right meaning, right summary, right explanation, right literary device because it's right to learn, okay? First sentence, A thing I think a beauty is a joy forever. Its loveliness increases; it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and us sleep. Full of sweet dreams and health and quiet breathing. so guys this is the first stanza and here you can see what let me tell you guys that कि first stanza में हमें क्या बताया गया है? A thing of beauty. एक ऐसी चीज जिसे हमें कुशीया मिले, joy मिले, happiness मिले, उसकी कुशी हमेशा हमारे पास रहती है, हम feel करते हैं. Its loveliness increases और लवलीनेस यानी कि उसकी हैप्पीनेस बढ़ती ही रहती है कभी कम होती है क्या वो चीज जो आपको बहुत पसंद है और शायद जब भी आप उस चीज से इंटरेक्ट करते हैं चीज चीज के पास पास जाते हैं या वो आपके पास होती है एंड यू फील लाइक दैट कंप्लीटली हैवन तो वो चीज आप क्या होगी धीरे धीरे आपके लिए बढ़ेगी ना कम तो नहीं होगी ना आपकी फेवरेट चीज से आप बोर तो नहीं होते ना अगर आप फेवरेट चीज से बोर हो रहे हो ना तो इट्स मीन वो आपकी फेवरेट चीज है ही नहीं यार चेंज कर दो आज ही और फेवरेट के लिए जाओ जिससे आपको सुकून मिले हैप्पीनेस मिले क्योंकि दुनिया में काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज है जालसी है एंजाइटी है स्ट्रेस है डिप्रेशन है मोर थिंग्स तो हमें उस चीज की जरूरत पड़ेगी जो हमें पॉजिटिविटी दे क्या दे पॉजिटिविटी इट कुड बी नेचर नेचर हो सकती है गॉड भगवान हो सकते हैं पेरेंट्स हो सकते हैं इवन फ्रेंड हो सकते हैं यार एंड

एक तरफा चीज जो होती है वो दो लोगों में बंटती नहीं है इस पर सिर्फ आपका हक है किसका आपका राइट है राइट हार्डवर्क so, and and कर रहे हैं या कई फील्ड पर काम कर रहे हैं सडनली टायर टू मच और अभी आपको रिलैक्स की जरूरत है किसकी जरूरत है रिलैक्स करने की आपको जरूरत है और आप आते हो कहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर काफी ज्यादा क्या है छाया है ठीक है ना और वहां आके आप बैठ जाते हो तो

Move to the literary device of this stranger, right? Come I have to move like that. चलो देखो Literary device के बारे में बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं हम Literary device के बारे में हम बात करते हैं Rhyming scheme जो हमें इसमें फर्स्ट stanza में देखने को मिलेगी वॉट इट इज कि इसकी rhyming स्कीम जो है वो है ए बी बी सी वॉट ए ए बी बी सी फॉर एवर में है, है, है. की रम स्कीम है गाइज okay? तो इसमें इस जो पॉइटिक डिवाइस यूज किया है पहला देखो एलिट्रेशन कौन सा है एलिट्रेशन यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड जब भी दो वर्ड स्टार्ट होंगे ना आपके स्टार्टिंग के वो क्या होंगे कॉन्सोनेंट साउंड के होंगे जैसे कि स्लीप स्वीट एक साथ है ना स्लीप और स्वीट आगे कौन सा वर्ड आ रहा है एस इधर भी कौन सा आ रहा है एस सो so ये क्या हो गया एलिट्रेशन क्या हो गया एलिट्रेशन आई होप यू गॉट इट ओके मूव टू द नेक्स्ट मेटाफोर मेटाफोर जो होता है वो देखो बावर क्वाइट बावर क्वाइट यानी कि एक कंपेरिजन दे एक मीनिंग दे तो यहाँ पर कामनेस ऑफ द बावर कंपेयर्ड टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल थिंग यानी एक सुंदर चीज मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि तेरी एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए तो वो दिन बनाने के लिए यहाँ पे बात की वो शांति देने के लिए वो सुकून देने के लिए वो सुकून देने के लिए यहाँ पर बात की है वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा ना किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है जी हाँ same as it is. अगर वो ब्यूटीफुल थिंग आपके पास है जो आपको जोई दे रही है दे रही है, अरे तो फिर मजे ना यार। फिर काहे का गम फिर काहे का गम काहे की uh, कष्ट काहे की दुख दर्द पीड़ा कष्ट कुछ नहीं भैया बस वो चीज हमें क्या दे रही है जो ही दे रही है इंटरेक्शन होना जरूरी है ऐसी चीजों से इंटरेक्शन होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर ऐसी चीजों से इंटरेक्शन नहीं होगा तो नेगेटिविटी तो है ही ना आपका पीछा कब छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी तो टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स मैन राइट आ गया होगा आपको समझ में चलो स्टैंड नंबर टू पे आते हैं किस पे आते हैं स्टेंजा नंबर टू और ये क्या कह रहा है किस बारे में ये बात कर रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सो so, therefore on every morrow we are, uh, are we rading a flowery band to bind us to the earth spite of despondences of the inhuman dearth of noble, uh, noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and our darkened ways mad for our searching years, in spite of all some shape of beauty moves away the

तारीफों के पुल बांध देंगे और उसी पुल पर होकर के हर कोई जाना चाहता है कौन नहीं चाहता कि आपकी तारीफ ना हो चाहते हो ना आप खुद तो बहुत चाहते हो सेल्फ होनी चाहिए खुद से क्या होनी चाहिए तभी आप लाइफ को फील कर पाओगे दूसरे लोगों को समझ पाओगे आगे बात समझ में तो अगर दूसरों को समझना है ना तो सबसे पहले किसको समझना है खुद को समझना है अगर खुद को समझ लिए तो दूसरों को भी आप समझ ही जाओगे इसलिए सेल्फ ऑब्जेशन होना चाहिए यार इतना बुरा भी नहीं है लोगों को क्या फर्क पड़ता है वो जो भी आपको बोले जस्ट लेट इट गो जस्ट फोकस की हाँ यार मैं तो खुद को समझूंगा पहला यानी अगर सेल्फ लव है आप खुद से प्यार करते हो ना तो आप बाकी लोगों को भी समझ ही जाते हो जो ह्यूमैनिटी है और काइंडनेस है जो भगवान की क्वालिटीज है उनको भी आप समझ ही जाओगे तो सेल्फ ऑब्सेशन इज अ गुड थिंग आई थिंक सो इट्स बैड बट क्वाइट गुड ओके Uh, इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि ऐसी चीजें हमें किससे बांध के रख रही है ऐसी चीजें हमें बांध के रख रही है धरती से जैसे कि फ्लावरी बैंड आपने देखा होगा यार कि स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं वो फूल सबको इकट्ठा कर लेती हैं और उनका एक बैंड बना के सिर पे पहनती हैं लाइक प्रिंसेस काइंड ऑफ क्वीन ठीक है तो ऐसी वो लगती हैं तो एज इट इज ऐसी कुछ चीजें करने से ही हम किससे जुड़े हैं इस धरती से जुड़े हैं है ना किसी ना किसी एम को लेकर के किसी ना किसी पर्पज को लेकर के हम किससे जुड़े हुए हैं धरती से जुड़े हुए हैं ठीक है spite of despondence of the inhuman dearth of normal nature of the gloomy days देखो यार हर किसी की लाइफ में दुख होता है कोई ऐसा आदमी बता दो जिसकी लाइफ में दुख नहीं है या परेशानी नहीं है सब परेशान हैं सब दुखी हैं बट कहीं ना कहीं हमें वो चीज उसी की तो बात कर रहे हैं यार किसकी बात कर रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी यार इसी की हम बात कर रहे हैं right? राइट इसी की हम क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं थिंक ऑफ ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो वो चीज आपको क्या देगी जो ही देगी हैप्पीनेस देगी यार और आगे देखो ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड अवर डार्कनेट वेज देखो यार मैड फॉर आर सर्चिंग गैस इन स्पाइट ऑफ ऑल देखो यार हो क्या रहा है कि अभी क्या हो गया अभी के टाइम में अच्छी सोल जो है ना यानी कि पॉजिटिव सोल यानी अच्छे लोग काफी कम मिलते हैं है ना बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे या फिर पॉजिटिव बातें करेंगे या फिर आपको सपोर्ट करेंगे आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके अच्छे में आपका साथ देंगे बढ़िया बताएंगे आपको आपके दुख में आपको दिलासा देंगे सपोर्ट करेंगे समझाएंगे कि कुछ नहीं ये टाइम में निकल जाएगा और अच्छा करेंगे तो ऐसे लोगों की कमी है तो ऐसे में वो जो चीज होती है हो जिसकी झलक आपको एक बार मिल जाए ना तो आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर देते हो ठीक है ना मैड फॉर आर सर्चिंग यस इन ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे फ्रॉम आर डार्क स्प्रिट्स यानी कि देखो यार हर किसी में नेगेटिविटी तो होती है ना आज इवन आप में भी होगी मुझ में भी कहीं ना कहीं है वो नेगेटिविटी लिटिल बिट आ जाती है यार ये वो काइंड kind ऑफ of, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज भी तो है हमारे पास जो हमें जॉय हैप्पीनेस दे लाइक like, uh, किसी के पास कुछ भी हो सकता है देखो यार मैं जो है मैं काफ़ी ज़्यादा सीखता हूँ नेचर से और गॉड से जो भगवान है उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखता हूँ और जो नेचर है उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखता हूँ मतलब कभी भी मुझे जब भी टाइम मिलता है इवन uh, मैं वर्किंग में हूँ या फिर मैं ऐसे घर पर बैठा हुआ हूँ या फ्री हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ नेचर को ऑब्जर्व करने यानी ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने जहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिले इवन तो वहां से भी हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं कि कैसे ये चीजें बनी हैं क्या इनकी वैल्यू है किस तरीके से ये हमें सपोर्ट कर रही है तो इस सारी चीजों को जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाओगे ना तो आप क्या है कि खुद में ही एक लाइफ डेवलप कर लोगे लोग दुनिया बनाते हैं आप लोग अपनी जन्नत बनाना सीख जाओगे ठीक है क्या बनाना सीख जाओगे जन्नत बनाना सीख जाओगे जन्नत इन नॉट दैट सेंस की हैवन आप डायरेक्टली ऐसे बना लो हैवन अपने लिए ये सारी चीजें होती है ठीक है कि नेचर को ऑब्जर्व किया अलग अलग चीजों को अलग अलग प्लेसेस uh, को एक्सप्लोर किया नई चीजों की नॉलेज हमें हुई हमारे अंदर जो नॉलेज है वो स्प्रेड की हमने बाकी लोगों में दैट इज द फैक्ट दैट वी हैव टू अवेयर ऑफ इट और सोसाइटी को समझना पड़ेगा वट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट फॉर अस फॉर द यूनिवर्स गॉड यही तो बताते आए कि सब चीजें क्या हैं अच्छी है बस आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए आप जैसे सोचोगे आप वैसे बन जाओगे इफ यू थिंक पॉजिटिव यू विल बी पॉजिटिव इफ यू थिंक नेगेटिव यू विल बी नेगेटिव ठीक है ना तो ये आपको समझना पड़ेगा राइट सेम चीज यहाँ पे बताते हैं पोल फ्रॉम आर डार्क स्प्रीट्स और ऐसे निकल जाता है यार जब पॉजिटिव सोचते हैं ना ठीक है अब आते हैं इसके उस पे स्ट पे आ जाते हैं देखो यार लिटरेरी डिवाइस के पे एनाफोरा कौन सा इसमें एनाफोरा यूज ऑफ सेम वर्ड इन टू कंजेक्टिव अलाइंस ऑफ नॉबल नेचर ऑफ ऑल द अनहेल्दी इसमें हमने सेम वर्ड्स का यूज किया है इसलिए एनाफोरा का यूज यहां पर हमने किया है एंड अलिट्रेशन काउंड कहां पर आए हैं बैंड बाइंड क्या थे वो दो वर्ड बैंड और बाइंड तो इसमें वाएं तो आगे भी बी और इधर भी बी बी तो सब जगह आगे है ठीक है तो बैंड एंड बाइंड ठीक है तो ये हमारा लिटरेरी डिवाइस हो गया, गया ठीक है ना नाउ आगे बढ़ते हैं इसी में में एक और है bind to us to the earth. Uh, तो यहाँ पे अर्थ से कंपेयर किया है तो दैट इज वाई यूज किया है ठीक है ना इमेजरी है इमेजरी देखो क्रिएटिंग इफेक्ट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग लाइन अप इन स्ट्रिंग यानी फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस ये जो है ये काफी बड़ा मीनिंग रख रही है काफी क्या रख रही है बड़ा मीनिंग ये रख रही है तो यहाँ पर इसके लिए इमेजरी का हमने यूज किया इमेजरी का यूज कहाँ करेंगे जब हमें किसी लाइन में एक इफेक्ट डालना हो फील वाला कुछ क्रिएट करना हो देन वी विल पुट वट इमेजरी राइट अब देखो स्टेज नंबर थ्री पे आ जाते हैं सच द सन द मून ट्रीज

और इसमें बताया है कि धरती ने हमें सन सूरज मून चंद्रमा नए पौधे पुराने पौधे नए पेड़ पुराने पेड़ वो सारी चीजें हमें दी है इवन जो नई नई पौधों जो नए नए पौधे होते हैं पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां खिलती है वो सारी चीजें हमारे पास है लाइक सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स यानी कुछ फ्लार डेफोडिल्स का यूज यहाँ पे फ्लार के लिए किया है ठीक है किसके लिए फ्लार के लिए है ना कि पुष्पा नाम सुन के फ्लार मत समझना लेकिन ये यह यहाँ पर फ्लार की बात की है किसकी बात की है फ्लार की यानी फूलों की बात की है जो हमारे नेचर में और काफी अच्छा हमें फील कराता है ठीक है ना तो वो हमारे पास यहाँ पर है विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन ग्रीन वर्ल्ड मतलब जहां पर काफी ज्यादा जैसे कि जंगल की बात करें अब जंगल में ये सारी चीजें हैं और एकदम से आप देखो यार गर्मी का सीजन है कौन सा सीजन है गर्मी का सीजन है और जब आप उसको हरा भरा देखते हो क्लियर रिल्स यानी कि छोटी छोटी नहरें या पानी की वो बात कर ले हम जैसे कि वाटरफॉल होता है तो जब वो बहता है तो साफ पानी होता है उसमें क्या होता है क्लियर वाटर होता है तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं ये बिल्कुल आपको ब्यूटी दे रही है प्रोवाइड करवा रही है दैट फॉर दम सल्व कूलिंग कोवर्ट मैक यानी कि क्या होता है कि एकदम बढ़िया आपको क्या करा रहे हैं ये देखो यार कि छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं हैं वो चले जाते कहा ग्रास में इन सारी चीजों में चले जाते हैं और जब वो जाते हैं गर्मी में तो उन्हें काफी रिलीफ फील होता है काफी कंफर्टेबल फील होता है तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है ठीक है ना इसके बाद गेंस द हॉट सीजन द मेड फॉरेस्ट ब्रेक और जब गर्मी का सीजन होता है तो उस समय सारी चीजें आप फील करो जाओ कभी जंगल मतलब मैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज ही निकल जाओ अच्छे से जाओ ज्यादा आगे भी नहीं जाना क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं तो अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ठीक है ना ना बढ़ते हैं आगे इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करते हैं तो थर्ड स्टेज में एलिट्रेशन है कॉन्सोनेट साउंड का यूज हुआ है स्प्राउटिंग शेडी सिंपल शेप तो इनमें ये एस एस आ रहा है तो ये हो गया एलिट्रेशन कूलिंग कवर्ट इसमें भी सी सी आ रहा है तो एलिट्रेशन इमेजरी कहाँ पर जो ये दिया हुआ है स्प्राउटिंग शेडी बून ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डेफोडिल्स यानी कि धीरे धीरे जब पत्तियाँ निकलती है फूल आते हैं तो ये एक पूरा एक सेंसरी इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है इसके बाद कौन सा है देखो एंथी ये वाला है ये अपोजिट वर्ड जो प्लेस किए गए जैसे ओल्ड और यंग ओल्ड का अपोजिट क्या हो गया यंग यंग का अपोजिट ओल्ड ठीक है तो इसके लिए ये यूज किया है आ जाते हैं अब हमारे लास्ट स्टेंजा पे कौन सा स्टेंज आप हम आ जाते हैं रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ एयर मस्क रोज ब्लूम्स And such sustu is the end year of the dooms. We have imagined for the mighty day, all lovely tales that we have heard or read, all endless fountain of immortal drink, pouring us, pouring unto us from the heaven spring. dekho लास्ट वाले स्ट्रंजर में क्या बोला है कि rich with the sprinkling of fair musk rose blues. जब गुलाब के फूल खिलते हैं, not only गुलाब के, but किसी के भी फूल खिले, तो काफी ज़्यादा सुगंध वो देते हैं, अच्छी Uh, सुगंध वो देते हैं जिससे हमें काफी अच्छा फील होता है उन फूलों को हम भगवान को चढ़ाते हैं अर्पित करते हैं क्या करते हैं उनको हम उन फ्लावर्स को अर्पित करते हैं क्या करते हैं अर्पित ठीक है अर्पित मीन्स क्या होता है कि देना ठीक है चढ़ाना काइंड kind ऑफ of. तो वो चीज यहाँ पर काफी जोई देती है ठीक है एंड सच टू इज द ग्रेंडियर ऑफ द डूम्स अब हमने देखा है देखो यार Yeah, of the mighty dead. हम जब कहानियाँ कहानिया, हीरो की कहानियां सुनते हैं राजाओं की कहानियां सुनते हैं जो कि एट दी एंड जब उनकी डेथ होती है क्या होती है डेथ तो उस डेथ को भी एक लीजेंड वे में क्रिएट किया है या बताया गया है जिससे काफी प्राउड फील होता है काफी जॉय फील होता है काफी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अ uh, अच्छा किया था या उसकी वजह से ये सारी चीजें वो गम जो है वो भूल के भी हमें अच्छा फील होता है तो ऐसी कहानियां हमारे पास बहुत सारी होती है जो हमने सुनी हुई होती है पढ़ी हुई होती है इट्स मीन की ये ऐसा फाउंटेन है किसका इमोटल ड्रिंक यानी अमृत का जो कि कहाँ से आ रहा है सीधा स्वर्ग से आ रहा है ऊपर वाले के यहाँ से आ रहा है यानी कि देखो यार कुल मिला के इस पोईम का एक ही उद्देश्य है एक ही पर्पज है जॉन किट्स यही कहना चाहते हैं कि जस्ट फील द नेचर, फील नेचर। नेचर जस्ट फील द को महसूस करो नेचर नेचर को सेव करो, नेचर को बचाओ नेचर को सपोर्ट करो हर एक चीज में ये मत सोचो कि मैं अकेला क्या क्या करूँगा अरे आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो ठीक है आप अकेले आप शुरू को तो करो लोग आपके पीछे 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 आ जाएंगे यू जस्ट स्टार्ट इट राइट पीपल विल फॉलो यू है ना आफ्टर दिस राइट आप ही बनो वो चेंज का एक जरिया भगवान क्या पता आपके भरोसे ही बैठा हो या मेरे भरोसे ही बैठा हो या आपके भरोसे बैठा हो या किसी और के भरोसे बैठा हो कि स्टार्ट कर दे इसके बाद तो फिर सब लोग स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज हमें होनी चाहिए तो कुल मिला के क्या करना है नेचर को ऑब्जर्व करना है पर जैसे कि ये सारी चीजें भी हमारे लिए जरूरी है ऐसा नहीं कि अपन निकल गए नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं ये उसके साथ साथ तो वो भी होता रहे काम भी होता रहे और अपन नेचर को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ते भी रहो साथ साथ नेचर को ऑब्जर्व भी करते रहो जो कि आपकी किताबी ज्ञान के अलावा जो जिंदगी की नॉलेज होती है लाइफ नॉलेज होती है वो भी आपको मिलता रहे कुल मिला के सारी चीजें जब इनका हम मेनटेन करना सीख जाते हैं इनको हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं तो काफी फील हमें होता है ठीक है लिटरेरी डिवाइसेस में क्या है इसमें देखो alliteration है क्या है एलिट्रेशन लास्ट वाला है यहाँ पर है इमोट्रल ड्रिंक्स ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉर एवर लाइक नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक तो यहाँ पर बात की है कंपेयर किया है इमोटल ड्रिंक को ठीक है तो अमृत से है ना एक हो रहा है राइम इसमें क्या है राइम जो लिटरेरी डिवाइस है स्कीम इसकी यूज इन स्टेंज ऑफ पोएम फॉर एवर नेवर कीप स्लीप डेड रीड तो ये यहाँ पर दिया गया है ठीक है ना इसके बाद इमेजरी है लास्ट वाले स्टेंजा में बशे फुल ऑफ मस्क रोज जिसमें एक सेंसरी इफेक्ट किया क्रिएट किया है और क्या है वो देखो बुक्स डिस्क्राइबिंग ऑफ फाइटर्स हैं जो कि महान योद्धा जो हैं जो कि युद्ध करते समय उन्होंने अपनी जान दी अपने देश के लिए अपने राज्य के लिए अपनी से, अपनी प्रजा के लिए ठीक है सेना के लिए तो वो उनको यहाँ पर सेंसर इफेक्ट करते हुए बताया गया है ठीक है ना तो ये आपकी पोइम कंप्लीट हुई आपकी पोएम ये क्या हुई कंप्लीट हुई आई थिंक ऑफ ब्यूटी पॉइट कौन थे जॉन किड्स काफी अच्छे से हमने समझी आए हो बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे कोई डाउट नहीं हो, होगा आपको अब क्वेश्चन आता है ना तो फटाक से आंसर करना यार क्वेश्चन आते ही फटाक से आप आंसर कर सकते हो जस्ट फॉलो द एक्सप्लेनेशन समरी इन द वर्ड्स एंड द आई सेड राइट सो तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर